गाजियाबाद से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लेटेस्ट अपडेट है कि खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष से संबंधित यह खबर, मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया है। और वहीं आर के स्कूल मतदान स्थल के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हमला हुआ। सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगा। बता दें इस वक्त बड़ी खबर है, पुलिस ने 1500 से ज्यादा अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी के ऊपर हमला हुआ है, मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। बता दें इस वक्त बड़ी खबर, आर के स्कूल मतदान स्थल के पास ये हमला हुआ, तो प्रत्याशी पर हमला हुआ है, सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर। इसी क्रम में एक गंभीर आरोप लगाया गया है, पुलिस ने 15 से ज्यादा अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर लिया। त्वरित कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे घटनाक्रम पर। मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो आर के स्कूल मतदान स्थल के पास ये बड़ा हमला हुआ है, बता दें ये बड़ी खबर है। सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, पुलिस ने 1500 से ज्यादा अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया है। तो खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी के ऊपर यह हमला हुआ है और मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है, आर के स्कूल मतदान स्थल के पास की ये घटना बताई जा रही है। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से सीधे हमारे साथ में सहयोगी हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह इस हमले के पीछे की बताई जा रही, क्या राजनीतिक साजिश? देखिए, रीना भाटी से इस बारे में बात की गई क्योंकि वो खोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन है। उन्होंने ये बताया कि जब वो आर के स्कूल पर गई थी निरीक्षण करने के लिए, तो वहां देखा कि कुछ 15 से 20 लोग जो थे वो कहीं ना कहीं वहां पर है ना लोगों को प्रभावित कर रहे थे, और जब उसका इन्होंने विरोध किया तो वहां पर इनके साथ मारपीट की गई, तो इन्होंने तुरंत ही पुलिस को बताया गया। पुलिस ने 15 लोगों को वहां पर अरेस्ट किया है। बात की जा रही है कि औरों की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि वो समर्थक जो बताए जा रहे हैं वो अमरपाल शर्मा के बताए जा रहे हैं, क्योंकि अमरपाल शर्मा जो है वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उन पर पहले भी रीना भाटी के जो हस्बैंड है उनके मर्डर के केस में वो जेल भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रीना भाटी ने समझदारी दिखाते हुए, क्योंकि रीना भाटी के समर्थक भी वहां थे, एक बड़ा बवाल हो सकता था, एक बड़ा हादसा हो सकता था, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए इस मामले को दबाया है। और कहीं ना कहीं 15 लोगों की अरेस्टिंग जो की है, अब यही देखना होगा, क्योंकि इसके साथ साथ अमरपाल शर्मा का जो नाम आ रहा है, तो अब इसमें पुलिस को देखना होगा अमरपाल शर्मा इसमें इन्वॉल्व है या कोई राजनीतिक स्टंट इसको लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के जो अमरपाल शर्मा है उनका सायाबाद विधानसभा बहुत अच्छा दबदबा माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं फाइट में है। और यही वजह है कि रीना भाटी बीजेपी से है और उनके पहले भी पुरानी रंजित अमरपाल शर्मा चलती भी आ रही है। अभी प्रशासन को तय करना होगा कि क्या मामला इसमें आता है क्या नहीं आता है। तो प्रशासन को अब तय करना होगा क्या इस पूरे मामले में जानकारी मिलती है। हमारे साथ बागपत से भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता, बागपत की बात करें, 3 विधानसभा सीटें हैं खासतौर से बागपत में, छपरौली, बड़ौदा, और उनके प्रत्याशियों की अगर हम बात करें क्या कुछ जीतेंगे या तमाम जो वादे दावे हैं वो किए गए थे भरपूर, और जाटों का मजबूत गढ़ यहाँ पर रहा है, क्या कुछ दिख रही है तस्वीरें अब तक की? आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही?